मोस्ट वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर्पल। लोगों के अंदर ज्ञान की ओंगी बजाने वाला, ना कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। होम साइंस क्लास 10th के बच्चे हों चाहे वो 12th की बालिकाएं हों, देखिए 10th और 12th दोनों के लिए होम साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, और इसमें जितने भी प्रश्नों का डिस्कशन आप सभी लोगों के साथ किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण मैं आप लोग को बताऊँ रिश्स कि जितने भी आपके स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया आप लोगों का, उत्तराखंड बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, तो ये सभी बोर्ड के जो बच्चे हैं उन सभी के लिए इंग्लिश मीडियम पेडियशंस जो चैनल पर इंग्लिश से मीडियम में लेक्चर प्रोवाइड कराने वाला चैनल नहीं है अब तक, लेकिन आप लोगों को अब एक चैनल मिल गया है जिसका नाम है डीजे सर। तो डिस्टेंस इस चैनल का लिंक जो है अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि थोड़ा सा भी सेशन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट लगेगा तो इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, हम लोग आगे बढ़ते हैं लेकर। देखिए होम साइंस के जो ये प्रश्न है, ये सभी जो प्रश्न है वो क्लास 10th और 12th की बालिकाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए पहला ही प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्हाट इज मीन्ट बाय होम साइंस। देखिए व्हाट इज द मीन्ट बाय होम साइंस, तो होम साइंस का क्या अर्थ होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे, अगर आप लोगों से शॉर्ट टाइप में पूछे तो यदि इतना आप लिख देते तो समझ लीजिए आप लोग के लिए पर्याप्त रहेगा, और पूरा का पूरा सॉलिड नंबर देने वाला है। सीधा सीधा देखिए यहाँ पर क्या है, होम साइंस मीन्स, होम साइंस मीन्स सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ होम। देखिए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ जो होम होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं एक तरीके से होम साइंस। ठीक है, होम साइंस मीन्स क्या होता है, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ होम, तो ना ही चला था, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ होम जो होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, होम साइंस बोलते हैं। ठीक है, इन दिस वे द मीनिंग ऑफ होम साइंस इज रिलेटेड टू वेरियस आस्पेक्ट ऑफ होम। वेरियस आस्पेक्ट ऑफ होम का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा गया सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ हाउसिंग, फूड हो गया, कस्टम्स हो गया, एक्सेट्रा जो हो गया, हैज टू बी डन। तो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ हाउसिंग जो होता है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ हाउसिंग हो गया, फूड की बात हो गई, कस्टम्स की बात हो गई, ये सभी की सभी जो बातें होती हैं वो इसमें होती है, होम साइंस के अंतर्गत होती हैं। ठीक है डिस्टेंस, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लास 10th की बालिका हो चाहे वो 12th की हो। और डिस्टेंस इंग्लिश मीडियम में आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड कराने वाला फ्री में यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डीजे सर, तो इस चैनल का खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित कीजिए। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा आप लोग के लिए तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए सेकंड नंबर का प्रश्न क्या, व्हाट इज सेल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है व्हाट इज सेल। देखिए सेल तो जान रहे हैं कि साइंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो कि आप लोगों को उसको करेंट करके पढ़े तो बड़ा ही आनंद आएगा, क्योंकि अदर सब्जेक्ट में भी आप लोगों का काम हो जाता है इन सभी से यदि आप इसको करेंट करके पढ़ते हैं तो। देखिए सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल इज द स्ट्रक्चरल, देखिए स्ट्रक्चरल की बात हो गई और फंक्शनल की बात हो गई, तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होता है, यूनिट ऑफ द बॉडी मतलब एक तरीके से कहा जाए तो बेसिक यूनिट ऑफ द सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ। जैसे हम लोग करें कि कहें कि एक छोटा एक मकान बना रहे हैं हम लोग, अगर एक मकान में क्या कर रहे हैं हम लोग, 5000 ईंटें लगे हैं। ठीक है, अब उस 5000 ईंटों में अगर कहा जाए अगर एक ईंटा जो है मकान का जो एक ईंटा है तो वो डिसाइड करता है, यानी वो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, सबसे सरलतम इकाई है, तो उसे ही हम लोग जो शरीर के तौर पर अगर देखेंगे, बॉडी के रूप में अगर आप स्टडी करेंगे तो उसे ही हम लोग बोलते हैं सेल। तो बॉडी ऑफ लाइविंग बींग्स एंड ऑप्टेन हैज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इट सेल। इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज इन विच ऑल दोज एक्टिविटीज विच वी कलेक्टिवली कॉल लाइफ टेक प्लेस। ठीक है, तो ये सेल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यदि इस प्रश्न को तैयार कर लेते हैं तो आप लोग का समझ लीजिए कि होम साइंस में तो आपका काम हो ही रहा है और साथ ही साथ समझ लीजिए साइंस का भी काम हो जाएगा। ठीक है ना, और प्रश्न मिल गया तो और बल्ले बल्ले हैं, और जब दोनों सब्जेक्टों में होता है तो कहीं ना कहीं आप लोग को ये प्रश्न देखने को मिल जाता है। राइट द डिफिनेशन ऑफ डाइट। देखिए डाइट क्या होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे नहीं कहते हैं लोग कि भैया बहुत ज़्यादा अगर है फैटी हो गया कोई हेल्दी हो गया तो कहते हैं डाइट पर आओ डाइट पर करो। ठीक है ना, कहते हैं लोग कि बॉडी फैट मेंटेन करने के लिए फलाने जो है डाइट कर रहे हैं, तो डाइट क्या होता है, द फूड टेकन बाई द ह्यूमन बींग विच नरिशेज द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड डाइट। तो लिसंस यहाँ पर एक तरीके से मतलब क्या होता है, डाइट का अर्थ जो होता है वो जब भी जितने भी पोषण की चीज़ें होती हैं, जितनी आवश्यक की चीज़ें होती हैं, वो सभी की सभी जो होती हैं ह्यूमन बॉडी को मिल जाती हैं, तो उसे ही हम लोग एक तरीके से कहते हैं डाइट। ठीक है ना, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और जितने भी प्रश्नों को शामिल किया गया डिस्टन सभी जो है प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए यहाँ पर इसी प्रश्न में मैं आप लोगों को एक नंबर दिखा रहा हूँ, नीचे यहाँ पर ध्यान से देखिए इस नंबर को,
ड्यूसेंस जो है नंबर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, आप लोग को दिख रहा है सीधा सीधा नंबर जो है 950-690-227 नाम का। तो ये नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस नंबर से आप लोग एक व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू करके यहाँ पर जुड़ सकते हैं, और ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट PDF वगैरह है इन सभी के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। और YouTube पर तो आप सभी लोगों के लिए फ्री में लेक्चर तो मिल ही रहा है, आप तो उसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी एडिशन मैंने पूरा पूरा PDF वगैरह का जो व्यवस्था है वो अरेंजमेंट किया हुआ है उसका, तो आप लोग इसका लाभ उठाइए और इस नंबर पर मैसेज ज़रूर कीजिए। और YouTube पर जो आप लोग का व्यवस्था मिल रही है फ्री में इसका भरपूर लाभ उठाइए। और बस इस चैनल के हेल्प में यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो बस आप लोगों को एक छोटा सा काम मैं सौंप रहा हूँ, उसे ज़रूर कीजिएगा इस चैनल के हेल्प में, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि तो याद रखिएगा, शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। शेयरिंग जो होता है डिस्टेंस, देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन होता है, तो जो भी महत्वपूर्ण लेक्चर आप लोग को इम्पोर्टेंट लगते हैं उसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है। और उसके अलावा यदि वीडियो को थोड़ा सा लाइक करते हैं तो उससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड एग्जामिनेशन में आप बैठे हैं तो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ये चैनल भी है आप लोगों का, और आगे भी भविष्य में आप लोगों को फायदा ही देता रहेगा। तो किसी में भी आप लोगों का कोई पैसा लगने वाला नहीं है, सब कुछ आप लोग को फ्री 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 मिल रहा है, तो इसका खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित जरूर कीजिए। वाट इज मेल न्यूट्रिशन? मेल न्यूट्रिशन क्या होता है? मेल न्यूट्रिशन इज नॉट गेटिंग द बैलेंस्ड डाइट नेसेसरी फॉर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग टाइम ड्यू टू द मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन द इम्यूनिटी ऑफ चिल्ड्रेन एंड ह्यूमन डिक्रीजेस। देखिए इम्यूनिटी ऑफ चिल्ड्रेन, देखिए इम्यूनिटी अगर इम्यूनिटी के बारे में हम बात करें, देखिए चिल्ड्रेन हो गया चाहे क्या हो गया, कुपोषण की बात हो रही है यहाँ पर, वुमेन हो गया, तो दोनों के ही जो होते हैं इम्यूनिटी पावर को ये डिक्रीज कर देता है, ठीक ना। मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण जो होता है, ठीक है ना, कुपोषण की वजह से तो नेसेसरी जो डाइट होता है उनके बॉडी के लिए बैलेंस डाइट जो होता है वो नहीं मिल पाता है। नॉट गेटिंग बैलेंस डाइट, यहाँ देखिए कह भी रहा है कि नॉट गेटिंग द बैलेंस्ड डाइट नेसेसरी जो सही के लिए आवश्यक होता है फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो एक लंबे समय के लिए वो नहीं मिल पाता है। ड्यू टू माल न्यूट्रिशन द इम्यूनिटी ऑफ चिल्ड्रेन एंड द मैन डिक्रीजेस ड्यू टू विच दे इजली बिकम विक्टिम्स ऑफ मेनी डिसीजेस। भाई ऐसी बात है, वो कई प्रकार के डिसीजेस का वो वजह ही बनता है बाद में। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट मेल न्यूट्रिशन, ठीक है ना। मेल न्यूट्रिशन के लिए देखिए इंपॉर्टेंट है कि क्या इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, और इन चीज़ों को तभी दूर किया जा सकता है, तभी जाहिर सी बात है कि उसमें वो जो बदलाव है परिवर्तन है वो किया जा सकता है। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें अगर मेल न्यूट्रिशन के बारे में और भी कुछ इम्पोर्टेंट, तो ये मेल न्यूट्रिशन इज यूजली अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट बैलेंस डाइट। ये देखिए लैक ऑफ एडिक्वेट बैलेंस डाइट को भी ये क्या करता है यहाँ पर, उसको भी कंप्लीट करता है, ठीक ना। ये भी जो प्रश्न हो जाएगा आप लोगों का इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग डिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या, व्हाट इज मीन्ट बाई जर्मिनेशन। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न को ध्यान देखिए। व्हाट इज मीन्ट बाई जर्मिनेशन, जर्मिनेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग को बात करना है। तो अगर चलिए आइए देखते हैं इसको हम लोग। द प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल प्लांट्स फ्रॉम सीड्स टू बी ईटन रॉ ए और कुक्स इज कॉल्ड जर्मिनेशन, ठीक है ना। देखिए ये चना होता है, चने को जब आप भे देते हैं तो क्या होता है, पानी में जब वो भींग जाता है तो आप उसे दूसरे दिन मत खाइए, उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब छोड़ देते हैं तो उसमें देखिए छोटी सी कली निकल जाती है। तो डिस्टेंस ये प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल प्लांट्स फ्रॉम द सीड्स, देखिए प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल प्लांट्स तो उसमें से छोटा सा प्लांट्स वो निकल रहा है, ठीक है ना। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस क्या कहते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण ये है आप लोगों का, और उसे हम लोग जर्मिनेशन बोले, ठीक है। लेट्यूस लेट्यूस कैन बी ऑब्टेन इन एनी सीजन बाई स्प्राउटिंग फर्दर जर्मिनेशन कैन बी डन एट द होम और इंडस्ट्री। देखिए जर्मिनेशन को जो क्या कहता है, एट होम या इंडस्ट्री पर भी किया जाता है। स्पॉटेड फूड इज मेजोरली कंज्यूम्ड इन ईस्ट एशिया कंट्रीज, तो ईस्ट एशिया जो कंट्रीज होते हैं वहाँ पर मुख्य रूप से जो होता है इनको देखने को ये सभी चीज़ें ज़्यादा बड़े पैमाने पर होती हैं। ट्रेडिशंस ये रहा होम साइंस का जो NCERT बोर्ड के बच्चों के लिए हैं, और इंग्लिश से महत्वपूर्ण लेक्चर स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। ट्रेडिशंस जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं वो लोग इस चैनल का लिंक जो अपने क्लासमेट पर शेयर करें, और फ्री में जो व्यवस्थाएं मिल रही हैं यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को पहली बार तो इस चैनल का खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित कीजिए। जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी एनडीएम किसी एन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद जय भारत। ऑडियंस जो नंबर दे रखा है मैंने ये इस नंबर का जरूर